गाइस आज के वीडियो में हम बात करेंगे आप किस तरह से अपने Xiaomi 11i और 11i हाइपर से जो डिवाइस है उसमें MIUI 14 को फ्लैश कर सकते हो। और गाइस MIUI 14 का जो फास्ट टैबलेट आया था तब मैं इसको फ्लैश किया था, इसका वर्जन देख सकते हो गाइस 14.22.12.5.8 ओके। और इधर गाइस रुक जाओ दिखा रहा हूं, नहीं तो आप लोग सोचिए 13 है तो नहीं गाइस। इधर देख सकते हो थीम की वजह से गाइस इधर जो 13 दिखा रहा है ठीक है, और इधर लेकिन इधर अंदर जाके देखूंगा तो ये वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये फास्ट जब अपडेट आया था तब इसको मैं फ्लैश किया था, लेकिन इसका लेटेस्ट वाले भी अपडेट आ चुके हैं जो चलो मैं उसको भी चेकआउट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। डेली बेटा जो देख सकते हो गाइस 14.22.12.19 ओके, तो ये लेटेस्ट रहा था और मैं इसको फ्लैश किया था। इसको नहीं करके मैं डायरेक्टली इसको करके दिखाऊंगा, और इसको मैं अभी तक फ्लैश भी नहीं किया गाइस। और इसका जो फुल रिव्यू है वो जल्दी गाइस मेरे चैनल पे आने वाला है, तो मैं आज अपलोड करके कुछ दिन में गाइस रिव्यू अपलोड कर दूंगा ओके। फोर्टीन को फ्लैश करने के लिए सबसे पहले गाइस आपका फोन का जो बूट लोडर है उसको अनलॉक करना जरूरी है। तो आई होप गाइस आपका जो फोन है उसका बूट लोडर अनलॉक है, और अगर नहीं है तो गाइस चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे कैसे अनलॉक कर सकते हो Xiaomi 11i का बूट लोडर, वो मिल जाएगा ओके। उसके बाद गाइस आपका जो फोन है उसमें कस्टम रिकवरी को फ्लैश करना होगा ओके। तो मैं इसमें ऑरेंज बॉक्स रिकवरी को फ्लैश करके और उनको फ्लैश करूंगा। तो गाइस सबसे पहले आप जो MIUI 14 का जो लेटेस्ट वाला जो रोम है उसको डाउनलोड कर लेना, उसके बाद गई जो ऑरेंज बॉक्स रिकवरी है उसको भी डाउनलोड कर लेना। तो डिस्क्रिप्शन में गई देख सकते हो सब कुछ मिल जाएगा ओके, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको पीसी का ज़रूरत होगा, और पीसी में गई प्लेटफॉर्म टूल्स का ज़रूरत होगा, तो प्लेटफॉर्म टूल्स को आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो चलो गई आप मैं पीसी पे चलता हूँ ठीक है ओके। तो गाइस फाइनली मैं पीसी पे आ चुका हूँ, और अब गाइस आपका जो प्लेटफॉर्म टूल से उसको और जो हमारे Xiaomi 11i का ऑरेंज बॉक्स रिकवरी है जो उसका जिप फाइल उसका ज़रूरत होगा पीसी में ओके। तो प्लेटफॉर्म टूल्स को आप एक्सट्रैक्ट कर लेना। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद गाइस हमारी जो रिकवरी इमेज है उसको हमारे प्लेटफॉर्म टूल्स पे कॉपी करना होगा ठीक है। तो मैं जो हमारे प्लेटफॉर्म टूल्स से वो तो एक्सट्रैक्ट कर चुका हूँ, आप भी कर लेना। उसके बाद उसको ओपन करना गाइस प्लेटफॉर्म टूल्स को ठीक है। जो एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो ये वाला आएगा इसमें जो आ जाना आप भी, आने के बाद जो हमारे गाइस रिकवरी इमेज है Xiaomi 11i का, तो चलो उसका जो रिकवरी इमेज है उसको यहाँ पर जो पेस्ट कर देना ठीक है। अदरवाइज ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। तो चलो मैं दिख रहा हूँ गाइस सेम प्रोसेस फॉलो करना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और फिर भी अगर गाइस कोई प्रॉब्लम हो रहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। तो चलो गाइस ये देख सकते हो Xiaomi 11i, उसके बाद जो ऑरेंज बॉक्स रिकवरी ये वाला रिकवरी इमेज देख सकते हो। तो गाइस रिकवरी इमेज इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमारे जो प्लेटफॉर्म टूल्स है गाइस उस पर छोड़ देना ठीक है। जो ए रहा गाइस प्लेटफॉर्म टूल्स, तो इस पर आप कॉपी कर देना इसको। तो फाइनली गाइस कॉपी हो चुका है, उसके बाद आप इसको फुल स्क्रीन कर देना। उसके बाद गाइस आपका फ़ोन जो है उसको पीसी के साथ कनेक्ट कर लेना ठीक है। जो ए वाला देख सकते हो गाइस मेरे फ़ोन, तो ए आप फास्ट बूट पे जाके जो चलो गाइस फास्ट बूट पे जाके पीसी के साथ कनेक्ट कर लेना। सो गाइस देख सकते हो मैं फास्ट बूट पे जा चुका हूँ और मैं कनेक्ट कर चुका हूँ अपने फ़ोन को, आप भी कनेक्ट कर लेना ठीक है। उसके बाद गाइस आप कनेक्ट करने के बाद गाइस आपको इधर आना होगा, आने के बाद टच करके यहाँ पर आप CMD टाइप करना, उसके बाद एंटर, उसके बाद ये वाला कमांड सेल आ जाएगा। यहाँ पर आपको टाइप करना होगा गाइस फास्ट बूट फ्लैश बूट ओके। तो फास्ट बूट फ्लैश बूट ओके, स्पेस दे देना गाइस फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस बूट स्पेस ओके। उसके बाद गाइस आपका जो रिकवरी गाइस इमेज है जो ए वाला रिकवरी इमेज, इसको आप अपने जो कमांड सेल है फिर आपको पेच करना होगा ठीक है। उसके बाद गाइस एंटर, तो एंटर करने के बाद जो ऑरेंज बॉक्स है ये हमारे Xiaomi 11i में फ्लैश हो जाएगा ठीक है, जो आप नोटिस कर सकते हो गाइस। तो फ्लैश हो चुके, आप यहाँ पर आपको कमांड रन करना होगा गाइस फास्ट बूट रिबूट रिकवरी ठीक है। उसके बाद गाइस एंटर, तो आप देखना गाइस फोन हमारे ऑरेंज बॉक्स में बूट होगा। सो फाइनली गाइस ऑरेंज बॉक्स में आ चुके हैं हमारे फोन। ऑरेंज बॉक्स रिकवरी को फ्लैश करने के बाद आपको OTG अदरवाइज गाइस SD कार्ड का जरूरत होगा,
और आपके गाइस आपके फ़ोन में अगर MIUI 12 रन कर रहे हैं तो उसमें गाइस इंटरनल स्टोरेज शायद सपोर्टेड रहेगा, ठीक है। मैं 13 में ही हूँ गाइस, ठीक है, एंड्रॉयड 13 में हूँ, तो इसलिए गाइस इसमें इंटरनल स्टोरेज सपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए मैं OTG का सपोर्ट लूँगा, ठीक है। OTG में आपका जो रोम है उसको आप ले लेना, ठीक है गाइस। ओके, तो गाइस देख सकते हो मैं OTG के साथ कनेक्ट कर चुका हूँ और मेरा रोम भी आ चुका है, और देख सकते हो गाइस ये वाला MIUI 14.22.12.90, ठीक है। तो आप भी ऐसा करना और डायरेक्टली गाइस उसको सेलेक्ट करके फ्लैश कर देना, ठीक है। तो फ्लैश करने के बाद देख सकते हो गाइस ये फ्लैशिंग हो रहा है और आपको इसमें थोड़ा वेट करना होगा, ठीक है। तो गाइस रोम फ्लैश होने के बाद मैं आपसे बात करता हूँ, इसको फ्लैश होने दो, ठीक है। ओके, तो गाइस देख सकते हो रोम फ्लैश हो चुके। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर कुछ छेड़खानी नहीं करना होगा, बैक में जाना गाइस। बैक में जाने के बाद यहाँ पर जाना, थ्री डॉट जाने के बाद गाइस रिबूट में जाने के बाद फिर से आपको रिकवरी पे टैप करना होगा, ठीक है। तो रिकवरी पे टैप करने के बाद आप देखना गाइस, और गाइस रोम फ्लैश होने में बहुत टाइम लगा था, ठीक है। आपको भी थोड़ा वेट करना होगा, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको वेट करना होगा रोम को फ्लैश करने में। उसके बाद देख सकते हो गाइस रेडमी आ चुका है। उसके बाद देख सकते हो गाइस ए वाला जो Xiaomi का खुद का रिकवरी है ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो वाइप डेटा करना होगा, जो वॉल्यूम गाइस डाउन और जो पावर बटन से काम करना होगा, ठीक है। वॉल्यूम डाउन और पावर बटन से ओके, उसके बाद वाइप ऑल डेटा, उसके बाद ओके गाइस देखो कॉन्फर्म। तो देख सकते हो गाइस डेटा वाइप हो रहा है, उसके बाद कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद गाइस रिबूट, उसके बाद रिबूट टू सिस्टम, ठीक है। तो गाइस रोम फ्लैश हो चुका है और आप फ़ोन इजीली गाइस बूट हो जाएगा, तो आप देख लेना गाइस। और इस तरह से गाइस आप अपने Xiaomi 11 आई और जो हाइपर चार्ज है उसमें गाइस जो MIUI 14 को फ्लैश कर सकते हो, ओके। और गाइस आपको OTG और SD कार्ड का ज़रूरत होगा रोम को फ्लैश करने के लिए, इंटरनल स्टोरेज सपोर्ट नहीं कर रहे इसमें, शायद एंड्रॉयड 12 में कर जाए, लेकिन मैं एंड्रॉयड 13 से गाइस एंड्रॉयड 13 रोम को फ्लैश कर रहा, तो ऑरेंज बॉक्स में ये सपोर्टेड नहीं कर रहा इंटरनल स्टोरेज, ठीक है। सो देख सकते हो गाइस MIUI आ चुका है, आप OTG का कोई ज़रूरत भी नहीं है, देख सकते हो। और आप वेट करो गाइस, इसमें भी गाइस आपको थोड़ा वेट करना होगा, ये बूट होने में भी थोड़ा टाइम लगाएगा, ओके। तो आप इसमें भी थोड़ा वेट करना। तो गाइस देख सकते हो फ़ोन बूट हो चुका है। उसके बाद गाइस आपको वाईफाई से कनेक्ट करके अपना जो पासवर्ड है उससे एंटर करना होगा फ़ोन को, तो मैं पासवर्ड को एंटर करके आता हूँ। सो गाइस देख सकते हो पासवर्ड एंटर किया, फ़ोन बूट हो चुका है। और इस तरह से गाइस आप अपने Xiaomi 11i में MIUI 14 को रन कर सकते हो, फ्लैश कर सकते हो।